हमने पढ़ा था, रैंकिंग को पढ़ा था, अब उसी में आगे जो टॉपिक है वो है हमारा क्लासिफिकेशन, और यहां पर हमारे पास कौन सा है, एनालॉजी। क्लासिफिकेशन और यहां पर क्या है, एनालॉजी। ठीक है, ये दो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में क्या होता है अक्सर इसमें से एक या दो क्वेश्चन आपको पूछेगा। ठीक, ये जो एनालॉजी होता है सादृश्यता, इसको हम बोलते हैं समानता, जिसको हम यहां पर क्या बोलते हैं, समानता। इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या देगा, आपको एक पेयर देगा, आपको एक पेयर देगा और हमको उस पेयर से एक उस पेयर को देख के हमको क्या करना है, एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना है, और हमने जो रिलेशनशिप एस्टेब्लिश किया हुआ उसी को फॉलो करके उसको आगे हम क्या करेंगे, उसको प्रोसीड करेंगे। ठीक, उसी को हम यहां पर क्या बोलते हैं, उसको सिमिलैरिटी बोलते हैं, मतलब एनालॉजी, उसको अपन लोग क्या बोलते हैं, सादृश्यता। ये बेसिकली थ्री टाइप का होता है। सबसे पहले यहां पर क्या होता है, वर्ड एनालॉजी। ठीक, जिसमें आपको क्या होगा, आजकल क्या करता है उसमें थोड़ा जीएस का जो पोर्शन है उसको साथ में आपको कवर कर लेता है, कि उसमें दो चीज कवर हो जाता है, आपका एनालॉजी भी कवर हो जाएगा और साथ में आपको जो करंट अफेयर्स का जो चल रहा है वो आपको उसमें कुछ कुछ आपको वहां से भी इंडल्ज करके आपको पूछ सकता है। जो दूसरा होता है अल्फाबेट एनालॉजी। ठीक है, मतलब आपको जो ए से लेकर जेड तक अलग अलग आपके अल्फाबेट होते हैं, जिसमें आपके क्या होते हैं, स्वर हो गए, है ना, आपके पास व्यंजन हो गए, उनके मध्य में क्या होगा, कुछ ना कुछ आपको रिलेशन बना के बताएगा, आपका वो वाला होता है। उसके बाद आपका होता है नंबर एनालॉजी। ये दो पोर्शन आपका ज्यादा पूछता है, और अगर आपको पूछे ना पूछे, ये आपको तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका नंबर एनालॉजी। ठीक, तो जैसे पहले अपने बात हो रही है, पहले अपने यहां पर क्या बोल रहा है, अपने को वर्ड एनालॉजी बोल रहा है। ये जो वर्ड एनालॉजी है ना, ये अक्सर आपको कहां कहां से कैसे कैसे पूछता है, जिसमें रिलेशन एस्टेब्लिश होता है। जो अक्सर जो आपको पहला क्वेश्चन पूछता है वो आपको ना साइंस रिलेटेड पूछता है। ठीक है, साइंस रिलेटेड आपको पूछता है, जिसमें आपको क्या होगा, जैसे उसमें आपको मेजरमेंट के बारे में, है ना, जिसमें आपको मेजरमेंट्स के बारे में, आपको इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में, है ना, और आपको उसका SI यूनिट और उसका आपका CGS यूनिट। ठीक, और उसको नापते किस में है, जैसे बोलेगा अपने को, जैसे बोलते हैं अपन लोग, जैसे करंट, करंट अपन किस में नापते हैं, एम्पियर पे नापते हैं। ठीक है, अपन टेम्परेचर हो गया, टेम्परेचर अपन थर्मामीटर से नापते हैं, थर्मामीटर में नापते हैं, और थर्मामीटर से अपन लोग क्या नापते हैं, केल्विन सेल्सियस, है ना, जो मापने का होता है केल्विन होता है, सेल्सियस होता है अपने पास। ठीक, फोर्स हुआ, फोर्स को हम लोग क्या करते हैं, न्यूटन में मापते हैं। ठीक है, जो एनर्जी हुआ उसको जूल में मापते हैं, अर्ग में मापते हैं, ये वाला हुआ। उसके बाद डेफिशिएंसी डिसीज हुआ, जैसे बोलेगा कि विटामिन सी की कमी से आपको स्कर्वी होता है ना, आपको रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस किससे होगा, रिकेट्स कौन से क्या बोलते हैं विटामिन से होगा। तो ये अक्सर आपको पहले तो आपको क्या बोलेगा, आपको साइंस रिलेटेड आपको क्वेश्चन आपका ये आपको पहला चीज पूछता है। ठीक है, दूसरा चीज जो आपको पूछता है ना वो आपको क्या होगा, वो आपका कंट्री हुआ। ठीक, कंट्री हुआ या आपका स्टेट हुआ, ये आपको रिलेटेड आपको पूछता है। ठीक, अब अक्सर कंट्री में क्या करेगा, वो आपको क्या करेगा, जो आपको एट प्रेजेंट में जो कंट्रीज जो आपको इन न्यूज है, इन न्यूज है, जैसे अभी सपोज अपन बोल दिए कि इसराइल बोल दिए, तो आपको इसराइल का ना कुछ कुछ चीजें आपको प्रमुख जानकारी आपको मालूम होनी पड़ेंगी, जैसे इसराइल की राजधानी हुआ तेल अवीव। ठीक है, उसकी जो मुद्रा हुई वो आपका क्या हुआ, जो मुद्रा हुई वो आपकी शेकेल। ठीक, और उसका जो इंटेलिजेंस एजेंसी है मोसाद, तो ये आपको कुछ चीज आपको वो याद रखनी पड़ेंगी आपको। ठीक, फिर जैसे भी आपका अर्जेंटीना का हो जाएगा, क्योंकि वो उस बार क्या फीफा का वर्ल्ड कप जीता है, तो वो कंट्री भी यहां पर क्या हो गई, इंपॉर्टेंट हो गई। रशिया हुआ, यूक्रेन हुआ, ऐसे कंट्रीज जो वर्तमान में न्यूज में है, जिनके बारे में वार्तालाप बातचीत हो रहा है, वैसे कंट्रीज का आपको अक्सर आपको उसका नेशनल फ्लैग, नेशनल एम्ब्लेम, जो आपका उनका जो संसद बैठता हुआ, उनकी जो प्रमुख एजेंसीज हैं, उनके जो प्रमुख व्यक्तित्व हैं, है ना, उनका जो करेंसी है, उनका जो नेशनल गेम है, उनका कैपिटल हो गया, उससे रिलेटेड आपको ये आपको पूछ सकते हैं। ठीक, फिर हमारे पास जो स्टेट हुआ, स्टेट से आपको क्या पूछ सकता है, आपको कैपिटल पूछ सकता है, आपको कभी कभी आपको उसके ये अपना सीएम के बारे में आपको दे सकता है, या उस स्टेट का कुछ चीज पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट है, है ना, जैसे चंडीगढ़ बोलेगा तो चंडीगढ़ आपके रॉक गार्डन के लिए इंपॉर्टेंट है, आपका आगरा बोलेगा तो ताजमहल के लिए इंपॉर्टेंट है, आपका दिल्ली बोलेगा तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन अपन लोग जो लेते हैं वो अपन लोग क्या लेते हैं, अपन
रेड फोर्ट को लेते हैं, है ना, हैदराबाद बोलेगा तो चार मीनार हुआ, तो ये सब चीजें यहाँ पर क्या होगा आपका इंपॉर्टेंट होता है, आपका ये पहला आपका वर्ड एनालॉजी में आपको ये सब आपको कवर करेगा। ठीक, ये आपका पहला पोर्शन आपका होता है वर्ड एनालॉजी का आपका। ठीक है, जैसे बोलेगा कि भाई शिक्षक का संबंध शिक्षा से है, तो डॉक्टर का संबंध किससे होगा, ट्रीटमेंट से होगा, इलाज से होगा। ठीक है, तो ये आपको कुछ बोलेगा कि वर्कर्स अपना जो सामानों को इस्तेमाल करते हैं। ठीक, जैसे बोलेगा कि भाई जो अपना कारपेंटर हो गया, तो कारपेंटर किसका उपयोग करते हैं, अपने पास कारपेंटर होगा तो वो आपका आरी का उपयोग करेगा। ठीक है, वो आपका हुआ, जैसे आपका दर्जी हुआ तो आपका क्या करेगा, सीजर का उपयोग करेगा। तो ऐसा जो वर्कर और उसके प्रोडक्ट के बारे में भी आपको यहां पर पूछ सकता है आपको। तो ये पहला आपका क्या हुआ, वर्ड एनालॉजी हुआ। ठीक, अब वर्ड एनालॉजी आपको जो बताया ना, जो करंट वाला वो आपको ज्यादा है ना, क्योंकि बाकी तो आपको बेसिक वाला आपको ये नहीं पूछा, एकदम सिंपल से जो आपको बताया ना कि डॉक्टर का संबंध इलाज से है, कंपाउंडर का संबंध किससे होगा, है ना, दर्जी का संबंध किससे होगा, ऐसा अब इजी क्वेश्चन आपको पूछने वाला नहीं है। क्यों, अभी का लेवल थोड़ा सा बढ़ गया। ठीक, तो क्या और एस्पिरेंट्स भी बढ़ गए हैं, तो लेवल थोड़ा अपग्रेड कर दिया आपको, ये तो आप जानते हैं CGPSC का। ठीक, तो ये पहला पोर्शन आपको वहां से पूछेगा। जो दूसरा पोर्शन आपका ज्यादा पूछता है वो आपका लेटर एनालॉजी है और आपका वर्ड एनालॉजी और आपका नंबर एनालॉजी है। ठीक, ये आपका है पहला क्वेश्चन, जो आपका पहला क्वेश्चन है आपके सामने दिया हुआ है GHFCDBEFT। हम पहले क्या करेंगे, जी से सी को मिलाएंगे, एच को डी से मिलाएंगे और एफ को बी से मिलाएंगे। यहां पर एक रिलेशन एस्टेब्लिश करेंगे और वहां पर क्या करेंगे, जो रिलेशन का एस्टेब्लिश किया है उसको हम यहां पर क्या करेंगे, उसको हम यहां पर फॉलो करेंगे। ठीक है, अगर उसमें आंसर आया आपके ऑप्शन में जो दिया हुआ, अगर उसमें आंसर आ गया तो अच्छी बात है, अगर सपोज उसमें से आंसर नहीं आता है तो फिर क्या करेंगे, हम सीक्वेंस को चेंज करेंगे कि जी के सबसे नजदीकी कौन सा लेटर आता है, तब जी को हम जरूरी नहीं कि डिकोड यहीं पर करें, हो सकता है कि हम जी को डिकोड करके यहां पे करें, एच को डिकोड करके यहां पर करें और एफ को डिकोड करके यहां पर करें, तो हम आगे पीछे भी क्या कर सकते हैं, उसको डिकोड कर सकते हैं, मतलब उसके कंडीशन के हिसाब से हम यहां पर देख सकते हैं। तो अब हमको दिया हुआ है जी एच और यहां पर क्या दिया हुआ है, एफ, ये हमको दिया हुआ है। ठीक है, और हमको यहां पर क्या लिखने बोल रहे हैं, सी डी और यहां पर क्या लिखने बोला है। ठीक है, ये हमको लिखने बोला है। ठीक, तो अब देखते हैं, जी से सी लिखा है और हमको लिखना किसको, ई एफ और डी को, जी को लिख रहा है सी, मतलब तीन छोड़ के चौथा वाला, ई को अपन लिखेंगे तीन छोड़ के चौथा वाला तो ए आ जाएगा। ठीक, एच को लिख रहा है डी, मतलब तीन छोड़ के चौथा, एफ को लिखेंगे तो तीन छोड़ के चौथा बी आ जाएगा, डी को भी सेम तीन छोड़ के चौथा लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, जेड आ जाएगा, क्योंकि एफ को बी लिख रहा है तो तीन छोड़ के चौथा वही हमारा रूल चल रहा है, तो ए बी जेड ये हमारा आंसर होगा। क्लियर, ये था हमारा पहला नंबर क्वेश्चन। सेम सेकंड ट्राई करिए, जेड वाई ए बी सी, यहां जो सीक्वेंस चल रहा है ना ऑपोजिट लेटर्स के चल रहे हैं, ये दो सीरीज चल रहा है ए बी सी डी जेड वाई एक्स, तो डब्ल्यू, क्योंकि जेड के बाद वाई आ रहा है, वाई के बाद एक्स आया और एक्स के बाद यहां पर क्या डब्ल्यू आया, तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू डी, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, के एम एल वाला है, ये आपको दिया के एम एल एन पी ओ, के एम एल एन पी ओ और हमको निकालना है सी ई और डी। अच्छा, के को एन लिखा है, के को एन लिखा है, इसका मतलब के को एन लिखा है दो छोड़ के तीसरा, तो C को दो छोड़ के तीसरा F, M को लिख रहा है P दो छोड़ के तीसरा, तो E को लिखेंगे दो छोड़ के तीसरा H, L को लिख रहा है O दो छोड़ के तीसरा, तो D को
दो छोड़ के तीसरा क्या होगा? एफ एच जी, एफ एच जी, ये हमारा क्लियर। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम है, आपको पैटर्न समझना ये इंपॉर्टेंट है। आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके पास यहां पर कम है, वीडियो शॉर्ट बना रहे हैं। शॉर्ट बना रहे क्यों, क्या होता है कि अक्सर देखा गया आप लोग बहुत लंबे वीडियोस में क्या होता है, आदमी बोर हो जाता है, जहां पर आपको जबरदस्ती वीडियो को लंबा खींचा जाता है। आपको सिर्फ और सिर्फ आपको काम के क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में पूछते हैं, याद रखिए ये हमारा क्या है, सीजीपीएससी टारगेट एमसीक्यूज है। तो पिछले एग्जाम में आपको जितने भी क्वेश्चंस पूछे हैं और यूपीएससी लेवल तक के भी जो क्वेश्चंस आपको वहां से पूछे हैं और पिछले दो साल के पेपर को रीड करके हमने क्या किया, वो सीरीज को बनाया है कि जहां पर आपको वीडियो शॉर्ट हो सके और आपको सिर्फ सेलेक्टेड मटेरियल मिल पाए, जो आप पढ़ के एग्जाम को इजीली आप यहां पर क्रैक कर लें। ठीक है, ये आगे दिया हुआ है एएफआई, तो सारी वैरायटी लेके आ गए हम, है ना, सारी वैरायटी लेके आ गए। नंबर है तो नंबर के हिसाब से कर लेते हैं। ए का पोजीशन क्या है, ए एफ आई डी डी और ए, दिस इज व्हाट वी हैव गिवन। ए का पोजीशन एक है, एफ का पोजीशन छह है, इसका पोजीशन इसको लिख रहा है तेरह, इसका पोजीशन चार है, इसका पोजीशन चार है और इसका पोजीशन चार है। 169 देखे तो ये 13 का वर्ग होता है, तो उसी प्रकार ये किसका वर्ग होगा, 441, 21 का वर्ग होगा, तो ये हमारा आंसर। अगला जाइए, ग्रेट 25 नंबर डैश, हमने ग्रेड देखा, इसमें पांच अक्षर है और पांच का वर्ग 25, तो यहां पे छह अक्षर है तो छह का वर्ग 36, क्लियर। अगला, F बराबर 216, F का पोजीशन क्या नंबर पर है, 6 नंबर पर है, तो F का पोजीशन 6 नंबर पर है और 6 का क्यूब किए हमको 216 मिला। वैसे L का पोजीशन देखेंगे तो 12 नंबर पर है और 12 का क्यूब करेंगे तो हमको मिलेगा 172। कॉन्सेप्ट पकड़ने में आपको बहुत प्रैक्टिस लगेगा, है ना, हमने आपको टाइप बताया है, आपको टाइप बताया है। सबसे तरीका प्रीवियस ईयर पेपर्स लीजिए, है ना, जो हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है, कोको की जो हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है, टेस्ट सीरीज को निश्चित तौर पे लीजिए, है ना, क्योंकि उसमें आपको सेलेक्टेड क्वेश्चन आपको मिलेंगे और आपको जब बहुत सारे प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको उसमें वेराइटी ऑफ क्वेश्चन मिलेंगे, तो आपका ऑब्वियसली जो आपका स्टैंडर्ड है वो ऑटोमेटिकली राइज हो जाएगा, प्रैक्टिस भी आपका अच्छा हो जाएगा। देखिए पार्ट्स को लिखा है एस टी आर ए, मतलब पहले वाले को आखिरी, मतलब जस्ट को अपोजिट कर दिया, देख रहे हैं आप, जो पहला था वो आखिरी चला गया, जो आखिरी था वो कहां आ गया, पहला आ गया। अब लिखना है वॉल्फ को, अब हमको लिखना है, नाउ वी हैव टू राइट वॉल्व, तो ये F आ जाएगा, ये L आ जाएगा, ये O जाएगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फ्लो। अगला देखिए, R I D E को लिख रहा है L B N E,
पहले आप लोग ट्राई कर लीजिए। आर आई लास्ट तो वैसी का वैसी है, तो ये तो पी तो ऐसी कैसी आएगा। आर को एल, आर को एल, आर को एल, एक दो तीन चार पांच, पांच छोड़ के छठवा। तो एच को देखेंगे तो एक दो तीन चार पांच छोड़ के छठा, एच को क्या लिखेंगे, बी। आई को एन, आई को एन, आई को एन मतलब एक दो तीन चार छोड़ के पांच हुआ, तो ई को चार छोड़ के पांच हुआ जे, डी को बी एक छोड़ के दूसरा, एल को एक छोड़ के दूसरा, बी डबल जे पी, तो ये हमारा आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहां से क्या हो गया, हमारा नंबर एनालॉजी चालू हो जा रहा है। ठीक, नंबर, अभी तक हम इंग्लिश अल्फाबेट वाला कर रहे थे, अब यहां पे नंबर वाला देखते हैं। सेवन फाइव एट पांच तीन छः, चार छः सात और तीन, सभी में दो दो कम किए, देखना सभी में दो दो कम किए, इसमें दो कम किए तो दो, इसमें दो कम किए तो चार, इसमें दो कम किए तो पांच, इसमें दो कम किए तो दो चार पांच एक, ये हमारा। ठीक है, अगला कुछ नंबर्स देख के आपको समझने पड़ेंगे, वो नंबर्स किसी का स्क्वायर हो सकता है क्या, किसी का क्यूब हो सकता है क्या, किसी का मल्टीपल हो सकता है क्या, या वो स्क्वायर के नजदीक है, क्यूब के नजदीक है, कुछ नंबर्स आपको देख के समझने पड़ेंगे। ये सेवन का स्क्वायर हुआ, दो जोड़े तो नाइन का स्क्वायर, उसी प्रकार जो हंड्रेड है वो आपका टेन का स्क्वायर है, इसमें दो जोड़े तो कितना हो गया बारह, और बारह का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144। अगला स्क्वायर के आसपास दिख नहीं रहा है ना, तो डिफरेंस देख लेते हैं। तो 238 में से 149 है, 18 में से 9 गया तो 9, 12 में से 4 गया तो 8, है ना, यही 89। ठीक है, अब बात करते हैं, मतलब 18, तो 159 में अपन लोग 89 जोड़े, तो ये हो जाएगा 8, एक हासिल हुआ, 6 और 8 14 का 4 248। Let's come to next question.
23, 29 और 37. ये नंबर देखते समझ में आ गया, ये तीनों के तीनों क्या संख्या है? अभाज्य संख्या. दैट मीन्स ये हमारे पास क्या है? प्राइम नंबर्स हैं, जो किसी से भाग नहीं जाते. इसमें 15 भाज्य संख्या है, तो ये ऑप्शन तो होगा. इसमें 49 ये भी नहीं होगा, इसमें 21 ये भी नहीं होगा. तीनों अभाज्य संख्या आपको यहीं पर मिला है, तो यही आपका आंसर. ये तीन टाइप का सेट आजकल ज्यादा पूछता है, ठीक है. अगर सपोज मान लो आपको इसमें ऐसे दो अभाज्य संख्या मिला, आपको ऐसे मान लो ऐसे आपको दो ऑप्शन आपको दिया होगा, ठीक है. तो आप क्या देख सकते हैं कि 23, 29 और 37, यहां पर आपके पास 6 का गैप है और यहां पर आपके पास 8 का गैप है. अगर सपोज आपको ऐसे दो अभाज्य संख्याओं का सीरीज मिल जाता है ना, आपको ये भी अभाज्य संख्या दी और आपको ये भी अभाज्य संख्या दिया है, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों का जो डिफरेंस होगा, गैप होगा, आपको वो मिला के आपको वो लेवल पे चलना पड़ेगा, ठीक. थ्री के साथ में 243, तो फाइव के साथ में क्या संबंध होगा, ये हमको ज्ञात करना है, ठीक. तो रिलेशन तो पावर वाला हो गया. थ्री के साथ अगर मैं देखा 243 को बहुत बड़ा नंबर है, तो 3 के पावर में 5 किया तो मुझे 243 मिला, है ना. 3, 9, 27, 81 और 243. तो सेम वे 5 के पावर में 5 किया, 5 के पावर में 5 किया, है ना. 5 के पावर में अगर मैं क्या कर रहा हूं, 5 कर रहा हूं, तो 5, 25, 125, 625 और 3125, ये हमारा आंसर. स्क्वायर और क्यूब, कम से कम 1 से लेकर 100 तक का स्क्वायर, 1 से लेकर 20 तक का क्यूब और 1 से लेकर 20 तक का टेबल आपको मालूम होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो आगे जाके आपको मैथ्स में भी काम आने वाला है और रीजनिंग में भी काम आने वाला है, और ये आपकी कैलकुलेशन स्पीड को ही बहुत आपको बढ़ा दे, ठीक है. अगला 11-32 5 डैश. आपको 11 के साथ में 132 दिया है, तो दो तरीके से ला सकते हैं. 11 गुणित में क्या किया, 12, तो भी 132 आ रहा है. तो 11 के बाद क्या आता है, 12 आता है. 11 के बाद 12 आ रहा है, ठीक है ना. तो 5 के बाद क्या आएगा, 6, तो 5 छक्के कितना हो जाएगा, 30. ये पहला तरीका, वो भी अपना आंसर आया. और कुछ लोग को मन करोगा कि भाई 11 के वर्ग में 11 को जोड़ देता हूं, तो 121 प्लस 11 करूंगा तो भी 132 आ रहा है. तो इन द सेम वे 5 के वर्ग में अगर मैं 5 जोड़ा तो भी कितना आएगा, तो भी हमारे पास 30 ही हमारा आंसर आएगा, ठीक है. अगला 42, 20, 76 डैश. देखिए 42 का आधा किया तो 21 में से एक गया, तो क्या बचा, 20. सेम वे 76 का आधा किया तो ये मेरे पास आया 38 और उसमें से एक गया, तो क्या बचा, 37. ये हमारा अगला
कि 7 का संबंध 9 से है और 48 का संबंध किस से। एक तो मैं ये देखा कि 7 में यहां पे 2 जोड़ा तो 9 मिला, तो 48 में 2 जोड़ा तो मुझे 50 मिलना चाहिए, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं दिया, ठीक है। और 7 को मल्टीप्लाई करके आसपास देखा तो बहुत दिक्कत है। हाँ, 7 का वर्ग किया, 7 का वर्ग किया तो कितना हुआ, 49 में से 1 को माइनस किया तो 48 प्राप्त हुआ। वैसे अगर मैं 9 का वर्ग किया तो 81, उसमें से 1 घटाया तो क्या प्राप्त होगा, 80, ये हमारा आंसर होगा, ठीक। चलिए अगला ट्राई करिए, इजी है नंबर, देख के आपको समझना पड़ेगा स्क्वायर होगा क्यूब होगा क्या है। 36 क्या बता रहा है, 6 के स्क्वायर को दर्शा रहा है। ये जो 36 है ये दर्शा रहा है 6 के स्क्वायर को, और ये जो 216 है ये दर्शा रहा है 6 के क्यूब को। इन द सेम वे 121 ये दर्शा रहा है 11 के वर्ग को, तो ये 11 का जो क्यूब होगा वो कितना होगा, 1331, तो ये हमारा आंसर होगा। अगला है पोर्शन क्लासिफिकेशन, जो अगला पोर्शन है वो हमारा है क्लासिफिकेशन, ठीक है। इस क्लासिफिकेशन को हम बोलते हैं, हम इस क्लासिफिकेशन को बोलते हैं ऑड वन आउट, विषम ज्ञात करें, भिन्न ज्ञात करें या वर्गीकरण। तो बेसिकली इसमें आपको क्या करता है, इसमें आपको क्या करेगा, आपको 4 देगा, और वो क्या करेगा, वो जो 4 होगा ना, वो 4 क्या करेगा, एक कॉमन रूल को प्रोसेस करेगा। इसमें जो क्या होगा, 4 आपके पास रहेगा ना, 4 या 5 रहेगा आपके पास, एक ग्रुप रहेगा, उसमें क्या करेगा, आपको 4 देगा और उसमें बोलेगा कि आपको 3 क्या करेगा, एक पर्टिकुलर ग्रुप को या एक पर्टिकुलर रिलेशन को एस्टेब्लिश करेगा। एक यहां पर क्या होगा, आपका अलग होगा, आपको यह पता करना होगा कि वो आपका अलग कौन सा है आपका, ठीक। जैसे अगर मैं बोला कि यहां पर अगर मैं बोला कि ए बी सी और डी, मुझे पता करना है कि इसमें अलग कौन सा है, ए बी सी डी आपको दिया है, उसे मैं बोला कि आपको पता करना है कि अलग कौन सा होगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये बाकी सब यहां पर क्या है, ये बाकी सब आपके पास यहां पर व्यंजन है, मतलब कॉन्सोनेंट है, और सिर्फ आपका ए यहां पर क्या है, ये आपका स्वर है, ठीक। जैसे मैंने आपको बोला पेन, पेंसिल, रबर और बोतल, ठीक है, ये आया। तो ये सब जो होता है ना, पेन पेंसिल और रबर, ये सब कहां पे कलाकारी करते हैं, ये आपका जो पेज होगा लिखने के और मिटाने के काम आएगा आपका, लेकिन बोतल आपका अलग है, जो आपको क्या होता है, जो आपको पानी भरने के काम आपका आता है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बोतल हमारा आंसर होगा। तो इसमें क्या होगा, आपको ग्रुप देगा, उसमें आपको रिलेशन देखना पड़ेगा कौन सा किसको फॉलो करेगा और कौन सा आपको उसमें से क्या होगा, आपको अलग होगा। तो ये डायरेक्टली आपको बोलेगा विषम ज्ञात करें या भिन्न ज्ञात करें, या आपको वहां पे लिखा होगा कि 4 में से 3, 5 में से 4 एक पर्टिकुलर कैटेगरी को फॉलो कर रहा है, आपको पता करना है कि कौन सा उसमें से अलग है, ठीक। ये भी बेसिकली आपका सेम 3 तरीके से होता है, वर्ड एनालॉजी जो आपका होता है, वर्ड क्लासिफिकेशन, दूसरा आपका अल्फाबेट क्लासिफिकेशन, और तीसरा आपका नंबर क्लासिफिकेशन, ठीक। जो ज्यादा पूछता है ना वो अल्फाबेट क्लासिफिकेशन से पूछता है, ठीक है। और भिन्न चाटी और जो आपका एनालॉजी है, एनालॉजी में क्या होगा, जो आपका नंबर एनालॉजी है ना, नंबर एनालॉजी आपका ज्यादा पूछता है, और क्लासिफिकेशन में आपका वर्ड का जो, सॉरी, जो आपका अल्फाबेट का है ना, वो आपको ज्यादा पूछता है, उस चीज को याद रखना। ये आपको पहला दिया हुआ है,
ईयर्स, हैंड्स, फिंगर्स, आईज और लेग्स। ठीक, आंसर क्या हो जाएगा हमारा? फिंगर्स, क्योंकि ये जो जो है ना, ये सब दो दो के पेयर में होता है। ठीक है, अब वहां ऐसा नहीं हो जाए कि लंगड़ा है, खुरवा है तो एक पैर है, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो आपके पास क्या होगा, हर जो नॉर्मल व्यक्ति होता है उसके पास दो कान होते हैं, दो हाथ होते हैं, दो पैर होते हैं, दो आंख होते हैं, उंगलियां आपकी अलग हो, 10 होती है। ठीक, बड, ब्रांच, लीफ, फ्लावर, रूट, कली, शाखा, पत्ती, फूल और जड़, क्या होगा? जड़, क्योंकि बाकी सभी आपको जमीन से ऊपर मिलता है और जड़ आपको जमीन के आपको कहां पर मिलेगा? नीचे में मिलेगा। द नेक्स्ट वन, वीनस, मून, अर्थ, मार्स, सैटर्न, आंसर क्या हो जाएगा? मून, क्यों? बाकी सभी हमारे पास क्या है? ग्रह है, और चंद्रमा हमारा उपग्रह है। पृथ्वी का उपग्रह कौन सा हो जाएगा? चंद्रमा। बाकी सब वहां पर क्या अपने पास क्या है? प्लेनेट है आपके पास, ग्रह। नाउ द नेक्स्ट वन, ये वाला पैटर्न आपको ज्यादा पूछता है, थोड़ा ध्यान से देखना। ठीक, ये आपको दिया हुआ है गोल्ड ऑर्नामेंट है ना, क्लॉथ गारमेंट, लेदर फुटवेयर, अर्थन क्लॉथ्स और क्ले, सोना। सोना से क्या बनाते हैं? गहना। चमड़े से क्या बनता है? जूता। कपड़े से क्या बनता है? परिधान। बात समझ में आ रहा है? मतलब पहले वस्तु से हम सामान बनाएंगे तो हमको प्रोडक्ट मिलेगा दूसरा, और यहां पर उल्टा दिया है, क्ले से अपन लोग क्या बनाते हैं? मर्तन का मिट्टी बनाते हैं, मिट्टी के बर्तन से क्ले नहीं बनाते, क्ले से मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, मतलब क्ले से अर्थन पॉट्स बनाते हैं। तो ये ऑपोजिट दिया हुआ है, इसलिए ये हमारा आंसर होगा। अब यहां से अल्फाबेट क्लासिफिकेशन आपका चालू होता है। ठीक है, इंग्लिश अल्फाबेट तो आप लिख ही लीजिएगा, अभी सभी से बता रहा हूं आपको, इंग्लिश अल्फाबेट ए से लेकर जेड तक विथ नंबरिंग, ए का पोजीशन एक है, बी का पोजीशन दो है, सी का पोजीशन तीन है, जेड का पोजीशन 26 है, 26 के बाद फिर आपका एबीसीडी सीरीज चालू हो जाता है, ए जेड, बी वाई, सी एक्स, ऑपोजिट लेटर्स, ये सब भी याद रखना। जी और ई देखते हैं, एक अल्फाबेट का गैप है, एम और के एक अल्फाबेट का गैप है, W और U एक अल्फाबेट का गैप है, Q और N दो अल्फाबेट का गैप है, बाकी सब में एक एक अल्फाबेट का गैप है, और Q और N में दो अल्फाबेट का गैप है। ठीक है, नेक्स्ट अगला देखते हैं, डी जी टू, ई के फाइव, जे आर सिक्स, पी वाई आठ। आजकल अल्फाबेट साथ में आपको नंबर भी आपको दे रहा है। डी जी टू, डी और जी के बीच में दो अल्फाबेट का गैप है। ठीक है भाई, ई और के पांच अल्फाबेट का है। ठीक है, जे और आर एक दो तीन चार पांच छ सात, ठीक है सात, लेकिन यहां पे छह दिया है तो यही आना चाहिए है ना। पी वाई में देख लेते हैं, पी और वाई तीन चार पांच छ सात आठ, ठीक सही। तो बाकी सब में जो आपको अल्फाबेट दिया, एक अल्फाबेट दूसरा अल्फाबेट में जितने अक्षर का गैप दिया है ना, वो आपको वहां पर नंबर से आपको नोट किया हुआ आपको। ठीक है, सी एच एम, एच एम आर, आर डब्ल्यू बी, डी आई एन,
ठीक, चलो सी से एच मिलाते हैं, चार प्लस चार एच से एम प्लस चार, ठीक है, फिर एच से एम प्लस चार, एम से आर प्लस चार, ठीक है, आर से डब्ल्यू प्लस चार, डब्ल्यू से बी प्लस चार, डी से आई प्लस चार, आई से एन प्लस चार। अरे अब ये तो दिक्कत हो गया भाई, सब में कॉमन कॉमन आ गया, अब कैसे करेंगे? अब हमको ऐसा बहुत बार फंसाता आपको कि जब आपने गैप देखना चला तो आपको क्या होगा, सभी में आपको प्रॉपर गैप आपको वैसी का वैसी मिलेगा, ठीक है, तब कंडीशन क्या होगा, हम इसमें 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 और इसमें देखेंगे तो इसमें स्वर का उपयोग कहीं पर नहीं हुआ है, सिर्फ और सिर्फ आपका व्यंजन का उपयोग हुआ है, और सिर्फ इकलौता डी आई एन ही एक ऐसा है जिसमें आपका स्वर का उपयोग हुआ है, इसीलिए ये हमारा आंसर होगा। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, क्योंकि बहुत बार क्या होगा, हम अल्फाबेट के ही गैप में आप खोजने निकल जाते हैं, बहुत बार आपका अल्फाबेटिक गैप सब जगह यहाँ पर क्या देगा, कॉमन देगा, कुछ जगह आपको वॉवल्स और स्वर का, वॉवल्स और आपको कॉन्सोनेंट का देगा, और कुछ जगह डायरेक्टली क्या होगा आपको मीनिंग का ही दे देगा आपको, कि आपको जो अल्फाबेट दिए ना उसका कोई पर्टिकुलर मतलब निकलता होगा, वो भी आपका ऐसा कर सकता है। अगला, अब थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा, ठीक, गैप देखे एक्स यू डब्ल्यू डी ए सी एच ई जी, सिंपल है, पीएम बीच में सब में स्वर आया है और एक में यहां पर अलग है, ठीक। नाउ द नेक्स्ट वन, रैट सेट कैट गेट, रैट सेट कैट गेट, सभी में ए वॉवल बीच में आया है और यहां पर ई, समझ में आया, ठीक, ओटीपी ए बी ए एच जेड एक्स यू वी, ओटीपी प्लस चार माइनस तीन, ए बी ए वो जमे गए हैं, एस से जेड बहुत लंबा है, अक्सर इसमें क्या होता है गैप आपको फॉलो नहीं करेगा, सभी में वॉवल्स यूज हुआ है, इसमें वॉवल यूज नहीं हुआ है, तीनों के तीनों यहां पर क्या है आपके पास, क्या है आपके पास, व्यंजन। ये वाला क्वेश्चन आपको आजकल ज्यादा पूछता है जहां पर आप गैप के चक्कर में फंस जाएंगे, है ना, बी डी आई एच के ए एल एम ओ, अब आप देख के समझ गए होंगे पी क्यू एस, ठीक है, आर यू एक्स जी जे एम वाई बी ई जे सी यू, पहला काम गैप देखने के है ना, याद रखना, R से U देखे दो, U से X दो, G से J दो, J से M दो, Y से B दो, B से E दो, J से C दो, J सॉरी J से C, हाँ J से C और C से U, ये अपना, ठीक है ना, पहला काम आप गैप देखेंगे, याद रखना पहले आपको बता रहा हूं, पहला काम आप गैप देखेंगे और गैप अगर आपको फॉलो नहीं होगा तो फिर आप देखेंगे स्वर और व्यंजन, ये वाली गलती मत करना, याद रखना। सी ई आई एक और तीन, एक और तीन, एक और दो,
पेयर यू है ना, इसमें एक और तीन है, इसमें पी और आर में एक और दो है, जे एल पी एक और तीन है, क्यू एस एम एक और उल्टा है, उल्टा है, मतलब दो दो आपको अलग अलग मिल रहा है, अलग अलग मिल रहा है तो अपना आंसर इसमें क्या हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये दिक्कत की विषय है इसमें, क्योंकि आपको इसमें पूरा स्वर, इसमें व्यंजन उपयोग हो रहा है, इसमें व्यंजन उपयोग हो रहा है, इसमें तो ये अपना आंसर क्यों होगा, क्योंकि इसमें आपका क्या हो रहा है, अपने पास दो, आपके पास क्या होगा, आपके पास दो स्वर का उपयोग हो रहा है, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा, पी आर यू, सॉरी सी ई आई। जे ओ टी ओ यू ई एफ ई डी डी आई एन, जे ओ टी प्लस चार ठीक, ओ यू एफ ओ प्लस चार सॉरी प्लस पांच, यू में तो दूर हो जाएगा, ठीक, बाकी देखते हैं अपन, एफ ई डी नहीं, ये आपका सीक्वेंस आपका इसमें नहीं बन रहा है, हाँ इसमें सब में क्या हो रहा है, एक एक वॉवेल यूज हो रहा है और इसमें दो वॉवेल यूज हो रहा है, तो ये हमारा आंसर। बहुत इजी है, सभी में कॉन्सोनेंट रिपीटेंस है और इसमें वॉवेल रिपीटेंस है, ठीक, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। लास्ट अपन थोड़ा नंबर क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, नंबर क्लासिफिकेशन में आपका बेसिकली आपको वही होगा, आपके पास क्या होगा, सम संख्या होगा, विषम संख्या होगा, वर्ग संख्या होगा, है ना, सम संख्या होगा, विषम संख्या होगा, वर्ग संख्या होगा, घन संख्या होगा, अभाज्य संख्या होगा, ठीक है ना, लिख देता हूं, या तो आपके मल्टीपल्स होगा, मतलब गुणज के रूप में होगा, सभी संख्या किसी पर्टिकुलर का गुणज होगा, या वो किसी का स्क्वायर होगा, या वो किसी का क्यूब होगा, है ना, या वो किसी का क्या, या फिर क्या होगा, ऑड होगा, या फिर क्या होगा, इवन होगा, या फिर क्या होगा, प्राइम होगा, ये सब आपका सीक्वेंस आपका होता है। जैसे यहां पे देखे तो चार तीन पच्चीस और नौ, तीन का वर्ग, पांच का वर्ग, दो का वर्ग, ये किसी का वर्ग नहीं होता, तो ये अपना आंसर, ठीक। और हम ये भी बोल सकते कि तीन अभाज्य संख्या है, बाकी सब अपने पास भाज्य संख्या है। सात चौदह इकतालीस और इक्कीस, ये तीनों सात के गुणज हैं और ये नहीं है। और ये भी बोल सकते हैं कि इकतालीस क्या है, प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। 51, 144, 169 और 256, 16 का वर्ग, 13 का वर्ग, 12 का वर्ग, ये किसी का वर्ग नहीं होता, तो ये हमारा क्लियर। 6, 35, 42, 18, पैंतीस, दो रीजन है कि पहला ये विषम संख्या है, दूसरा कि ये 6, 42 और 18 ये सभी की सभी सम संख्या है और वो 6 के गुणज के में आता है, ठीक है। तो ये था आपका क्लासिफिकेशन और आपका एनालॉजी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आपको यहां पर आपको ये बताने का कोशिश किया गया कि एग्जाम में कौन कौन से पैटर्न्स पूछते हैं और कैसे प्रकार के क्वेश्चंस आपको पूछने की संभावना है, ठीक है। रीजनिंग के वीडियोस थोड़े शॉर्ट होंगे लेकिन आपको एकदम काम के और आपको एकदम सटीक मिलेंगे कि एग्जाम में आपको कहाँ से फोकस करना और आपको कहाँ से पढ़ना है, यह आपका सबसे प्रमुख मुद्दा है, वो आपका खत्म हो जाएगा। क्योंकि
ये वीडियोस कब काम आएंगे, जब आपके पास एग्जाम में बहुत शॉर्ट टाइम होगा और आपके पास क्या पूरा बहुत सारा पढ़ने के बजाय आप इस कोको के एमसीक्यू सीरीज को आप देख लेंगे, तो आपका रीजनिंग का, मैथमेटिक्स का और आपका जो भी आपका सब्जेक्ट है, जीएस होगा आपका, हिस्ट्री हुआ, जो आपका छत्तीसगढ़ हुआ, आपके जितने भी है ना, वो सारे के सारे आपको बहुत जल्दी आपको कवर हो जाएंगे। एमसीक्यू करने का मतलब यही है कि आपके पास क्वेश्चंस भी आपको बहुत सारे मिल जाएंगे और साथ में आपको क्या होगा, उसका कॉन्सेप्ट भी आपको मिलेगा। ठीक, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।